Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. So this is the part 3rd of the Thomas Hobbes video. हम थॉमस हॉब्स के बारे में कवर कर रहे थे. हमने पार्ट 1 देखा उसका, पार्ट 2 देखा एंड दिस इज़ दी पार्ट 3rd ऑफ द वीडियो. ठीक है, तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके पहले उसको वॉच कीजिए. आपको लिंक मे बी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मे बी आई बटन पे मिल जाएगी. सो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले जाइए, पहले उसको वॉच कीजिए, देन आफ्टर इसको कंटिन्यू करना. क्योंकि अगर आप बीच में से स्टार्ट करोगे देन आपको आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी, विच इज़ नॉट गुड. अगर नॉलेज लेनी है तो हमेशा उसको पूरी तरीके से लो, आधी अधूरी नॉलेज इज नॉट यूजफुल. ठीक है, सो जैसा कि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत कुछ चीज़ें कवर कर ली थी एंड आज हम आगे फर्दर कवर करेंगे कि थॉमस हॉब्स की और किस किस चीज़ पे क्या क्या व्यूज है उसको हम कवर करेंगे. ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको जो मैं आगे पढ़ाऊँगी इस वीडियो में, अगर आपको वो थोड़ा सा भी समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या आपको अच्छा लगता है, देन प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा. लाइक एकदम फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने वाले. सो प्लीज़, नए स्टोरेज का प्रॉब्लम है तो इसलिए एक लाइक में कुछ नहीं जाता. ओके, सो प्लीज़ एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है. ठीक है, एंड अगर आपको और ज़्यादा अच्छा लगता हो मे बी, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता भी सकते हैं. आपकी फीडबैक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं. ओके, सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ कि पार्ट 1 में क्या हुआ था. मैंने लास्ट में बोला था कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे थॉमस हॉब्स के व्यूज़ ऑन ह्यूमन नेचर, कि उनकी क्या व्यूज़ थे ह्यूमन नेचर के ऊपर. ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 के एंड में बोली थी कि हम पार्ट 2 में ये चीज़ कवर करने वाले हैं. एंड पार्ट 2 में मैं ये चीज़ कवर करना भूल गई थी एंड मैंने डायरेक्टली जंप कर दिया था स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर. सो उस चीज़ को मैं अब कवर कर रही हूँ. सो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हॉब्स के क्या व्यूज़ थे ह्यूमन नेचर के ऊपर. हमने पार्ट 2 में देखा था कि स्टेट ऑफ नेचर पे क्या व्यूज़ थे, अब हम देखेंगे ह्यूमन नेचर के ऊपर हॉब्स के क्या व्यूज़ थे. तो उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी वो बहुत ही यूनिक थी, क्योंकि वो क्या करते हैं, उस पॉलिटिकल फिलॉसफी को एक साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एंड इससे जो है उनकी स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की, वो मॉडर्न भी बनती है एंड साइंटिफिक भी बनती है. व्हेनेवर यू ऐड साइकोलॉजी टू एनीथिंग, वो कहीं ना कहीं मॉडर्न और साइंटिफिक बनती है. क्योंकि अगर आप रीज़न डाल रहे हो, लॉजिक डाल रहे हो, उसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी डाल रहे हो, देन वहाँ पर वो चीज़ मॉडर्न और साइंटिफिक बनती है. एंड ये चीज़ जो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं हॉब्स, तो उस वजह से यहाँ पर उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो एक यूनिक तरीके से आती है. अब यहाँ पे पहली चीज़, जैसे जहाँ जहाँ एच लिख रखा है दैट मीन्स हॉब्स है वहाँ पे, तो हॉब्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ जो है उसको कौन कंट्रोल करता है, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म. मतलब अगर ह्यूमन लाइफ जैसी भी चल रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उस ह्यूमन के माइंड में साइकोलॉजी होती है कि ये चीज़ ऐसे या ये चीज़ वैसे, तो उसके पीछे एक कुछ ना कुछ साइकोलॉजी होती है. तो उसी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म की वजह से ह्यूमन लाइफ जो है चल रही है. तो ह्यूमन लाइफ को किसने कंट्रोल कर रखा है, तो ह्यूमन लाइफ को जो है साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म ने कंट्रोल कर रखा है. इट इज़ थ्रू दिस दैट हॉब्स ऑल्सो डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ स्टेट. और इसी जो व्यूज थे ह्यूमन नेचर के ऊपर, इसके थ्रू ही उन्होंने क्या करा, अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट को भी डेवलप किया था. अब हॉब्स जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि विजडम जो है बुक्स पढ़ने से नहीं आती है, वो किससे आती है, मैन को स्टडी करने से. मतलब ह्यूमन को स्टडी करने से जो है विजडम आती है, नॉट बाय रीडिंग बुक्स. बुक्स रीड करके आप जो है विजडम नहीं ले सकते हो. वैसे अगर हम बोले कि नॉलेज कभी भी बुक्स रीड करने से नहीं आती, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी ज़रूरी है और मे बी आपको प्रैक्टिकल लाइफ की भी नॉलेज रहनी चाहिए. ओनली आप बुक्स रीड करके, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रीड करके, यू विल नॉट गेट एनी नॉलेज. ठीक है, आपको नॉलेज तब मिलेगी जब आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे या जो प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें हैं उसको भी ऑब्जर्व करोगे, तो उससे आती है. तो वैसे ही इनके अकॉर्डिंग विजडम जो है वो बुक्स रीड करने से नहीं आती, बट ह्यूमन की स्टडी करने से आती है कि ह्यूमन नेचर कैसे बिहेव करता है, कैसे चलता है, वो सब चीज़ें. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया गैलीलियो का कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स लगाना. उन्होंने स्टार्ट किया कि उनके अकॉर्डिंग, गैलीलियो के अकॉर्डिंग यूनिवर्स जो है एक मशीन है जो कि पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है और वो एक मैकेनिकल लॉ के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं. तो सेम चीज़ जो गैलीलियो का कॉन्सेप्ट था यूनिवर्स का, ये जो चीज़ थी, ये सेम चीज़ जो है हॉब्स ने अपने ह्यूमन नेचर वाले व्यूज़ के ऊपर लगाई.
तो वैसे ही इन्होंने बोला हॉब्स ने कि मैन जो है ये इसी यूनिवर्स का पार्ट है और वो भी कुछ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और वो भी एक मशीन है। ठीक है, तो ये चीज़ किसने बोली? हॉब्स ने बोली। तो बेसिकली जो है मैन को यहाँ पे मशीन कंसिडर करा गया जो कि एक यूनिवर्स का पार्ट है और जो कि सेम पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब उन्होंने बोला कि जो हॉब्स है अब वो एक प्रिंसिपल या वो एक लॉ ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे ये जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं मैन के अंदर। तो अब हॉब्स क्या करते हैं, उस मैकेनिकल लॉ को, उस प्रिंसिपल को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये जो पार्टिकल्स है ये सब मूव कर रहे हैं मैन के अंदर। ठीक है, वो चीज़ को वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हॉब्स क्या बोलते हैं, हॉब्स बोलते हैं कि मैन का जो माइंड है और उसकी जो सेंसेस है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में, मतलब वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और उसकी जो माइंड और सेंसेस है उससे क्या होता है, मैन अक्वायर करता है इमेजिनेशन, प्राइड, ये सब चीज़ें जो है मैन अक्वायर करता है, मतलब उसको मिलती है, जीतता है वो। ठीक है, और इससे क्या होता है, फर्दर मूवमेंट होता है मैन के माइंड का एंड इस वजह से वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड जब माइंड का मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से क्या आते हैं, इमोशंस आते हैं, पैशंस आते हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, एंड मैन जो है इस प्रिंसिपल ऑफ मोशन के थ्रू, मतलब जब मैंने बोला कि उसका जो माइंड है, सेंसेस है, कॉन्स्टेंटली मोशन में है, तो इसी प्रिंसिपल ऑफ मोशन के थ्रू वो डिज़ायर करना स्टार्ट करता है, वो अपनी इच्छाएं रखता है और फिर धीरे धीरे अपनी विल फॉर्म करता है। ठीक है, किसी चीज़ को डिज़ायर करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे फिर अपनी विल फॉर्म करता है और वो जो भी डिज़ायर करता है वो उसको बोलता है गुड या प्लेजर। ठीक है, मतलब जो उसको अच्छा लगेगा ऑब्वियसली वो उसी का डिज़ायर करेगा कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए। ठीक है, एंड उस डिज़ायर को पाने के लिए उसकी हेल्प कौन करता है, उसका माइंड हेल्प करता है ताकि उस डिज़ायर को पाया जा सके। ठीक है, अब मैन जो डिज़ायर नहीं करता या जो डिसलाइक करता है वो उसको बोलता है एविलेंट पेन। जो डिज़ायर करता है, जो उसको पसंद है, उसको बोलता है गुड एंड प्लेजर। ठीक है, बट जो चीज़ वो डिसलाइक करता है, जो उसको नहीं पसंद है, जो चीज़ वो एविल कंसिडर करता है, वो उसको क्या बोलता है, एविल एंड पेन। ठीक है, बट ये जो गुड और एविल है ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे क्योंकि मैन जो है खुद चेंज होता रहता है। तो ये जो गुड और बैड है, दैट मीन्स गुड और एविल है, ये भी कॉन्स्टेंट नहीं है, कभी गुड रहेगा तो कभी एविल रहेगा। तो दोनों चीज़ जो है, क्योंकि मैन खुद कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये जो गुड और एविल है ये भी चेंज होते रहेंगे। और मैन क्या करता है, जो चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती है, जिन चीज़ों के लिए वो डिज़ायर करता है, जो चीज़ें उसको पसंद है, उसके लिए वो वर्क करता है ताकि उन चीज़ों को वो गेन कर सके। जैसे कि हैप्पीनेस और फेलिसिटी, ये जो है ये इसको बहुत अट्रैक्ट करती है, डिज़ायर वो चाहता है। ठीक है, और मैन को प्लेजर देती है, तो वो उसके लिए ऑब्वियसली वर्क करेगा और मेहनत करेगा ताकि वो उस चीज़ को पा पाए। बट जो चीज़ें उसको नहीं पसंद और उसको लगता है कि ये मुझे अच्छा फील नहीं करवाती, वो डिसलाइक करता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए उसको अवॉइड करेगा, उसके लिए मेहनत नहीं करेगा। ठीक है, अब हॉब्स और क्या बोलते हैं, कुछ भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है इन अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में, बस कुछ मॉरल जजमेंट्स ऐसे हैं अबाउट व्हाट इज़ गुड और बैड। वो सब जो है, ये जो मॉरल जजमेंट्स है, ये सब किसका है, प्रोडक्ट है सिविलाइजेशन का। जैसे जैसे सिविलाइजेशन हो रहा है, कुछ मॉरल जजमेंट्स बन जाते हैं कि ये चीज़ गुड है, ये चीज़ बैड है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हॉब्स क्या बोलते हैं कि मैन के लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है, वो सब चीज़ें जो कि मैन डिज़ायर करता है उसको ऑब्टेन करने में उसको कंटिन्यूसली सक्सेस मिलती रहे, दैट इज़ हैप्पीनेस फॉर अ मैन। ठीक है, मतलब एक ह्यूमन के लिए ये चीज़ जो है वो हैप्पीनेस है, और वो उसके लिए पूरे लाइफ टाइम जो है वर्क करता रहेगा, करता रहेगा। ठीक है, और उसको कोई रेस्ट और रेस्पाइट नहीं मिलेगा, और इस वजह से जो लाइफ है वो रेस्टलेस डिज़ायर हो जाती है, पावर आफ्टर पावर की। दैट मीन्स अगर उसको एक पावर मिल गई तो वो नेक्स्ट पावर के लिए, नेक्स्ट पावर को ऑब्टेन करने के लिए वो क्या करेगा, वो और वर्क करेगा। फिर वो नेक्स्ट मिल गई तो बेसिकली उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, और कंटिन्यूसली उसके लिए वर्क करता जा रहा है। ये जो रेस्टलेस डिज़ायर है ऑफ पावर आफ्टर पावर, ये कब सीज होगी, जब उसकी डेथ हो जाएगी। अब जब उसको पावर मिल रही है, मीन्स मिल रहे हैं अच्छी तरीके से रहने की, एक लग्जूरियस लाइफ जीने के, तो उससे वो क्या हो जाता है, ग्रीडी होता जाता है। ठीक है, उसको लालच आता जाता है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा अक्वायर करे। देखा जाए तो सही बात बोल रहे हैं यहाँ पे हॉब्स, क्योंकि अगर हम आज के
कि ह्यूमंस देखे, आज की जनरेशन देखे, या मे भी अगर ह्यूमन को एज अ होल देखे अपन, तो यहाँ पे भी यही होता है, अपन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता. हम जिस चीज़ में ऑलरेडी हमारे पास जो चीज़ है उसमें हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता. अगर सपोज़ मैं आज डिज़ायर कर रही हूँ कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, तो जिस दिन मेरे को वो चीज़ मिल जाएगी तब भी मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा. मैं चाहूँगी अब इससे बढ़ के कुछ और चीज़ मिल जाए, ठीक है. तो मेरी डिज़ायर्स ख़त्म ही नहीं हो रही, वो आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है. मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पा रहा. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हॉब्स बोल रहे हैं कि वो ग्रेडी होता जाएगा कि और इससे ज़्यादा अक्वायर करे. मे बी अगर मेरे लिए आज 1,00,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं, मे बी मैं चाहती हूँ कि मेरे को 1,00,000 रुपये मिल जाए, तो जिस दिन मेरे को 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे मेरे को उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. फिर मेरे को लगेगा 1,00,000,000 मिल जाए, ठीक है. जिस दिन 1,00,000,000 मिल गए उसकी भी वैल्यू नहीं रहेगी. मेरे को लगेगा 100,00,000, 1,000,00,000. ऐसे मेरी जो ग्रेडीनेस है वो बढ़ती जाएगी, मैं कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं करूँगी, ओके. एंड इसी वजह से, क्योंकि उसकी वो जो ग्रेडीनेस है वो बढ़ती जा रही है टू अक्वायर मोर एंड मोर, उस वजह से वो क्या हो जाता है, सेल्फ सेंटर हो जाता है. ह्यूमन जो है वो सेल्फ सेंटर हो जाता है कि केवल खुद के बारे में सोचता है कि कैसे उसको अपनी डिज़ायर्स फुलफिल करनी, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता और दूसरों के लिए वो थोड़ा सा मीन हो जाता है. अब हर एक माइंड जो है एक अलग वर्ल्ड, अब हर एक मैन जो है वो एक अलग वर्ल्ड देखता है. सेपरेट इंडिविजुअल्स की सेपरेट प्लेजर्स होते हैं, पेन्स होते हैं, ट्रुथ गुड्स, मॉरल कन्विक्शंस, पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज, ये सब के अलग होते हैं. अगर आज मेरे लिए जो चीज़ अच्छी है मे भी आपके लिए ना हो, मेरे लिए जो चीज़ बुरी है मे भी आपके लिए ना हो, ठीक है. तो हर एक चीज़ का आपका मेरा सबका जो है एक अलग प्लेजर होगा, एक अलग पेन होगा. मे भी जो चीज़ मेरे को प्लेजर दे रही हो मे भी वो आपको इतना ना देती हो, या मे भी जो मुझे आज पेन दे रही हो मे भी वो आपको बहुत ज़्यादा या बिल्कुल भी ना देती हो, ठीक है. तो वो चीज़ सबके लिए अलग अलग होती है. क्या पता मेरे मॉरल कन्विक्शंस अलग हो, आपके अलग हो, ठीक है. तो वैसे ही यहाँ पे उन्होंने सेम चीज़ बोली है कि हर एक माइंड जो है उसका एक डिफरेंट वर्ल्ड होता है. हर एक इंडिविजुअल के जो है अपने अपने जो है प्लेजर्स, पेन, ट्रुथ, गुड, मॉरल कन्विक्शंस, पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज, ये सब होते हैं, ठीक है. और कुछ सर्कमस्टांसिस मतलब कुछ हालात और नीड्स जो होती है, ज़रूरतें, उसको दूसरे माइंड के साथ डाल देती है, जिसकी एग्जिस्टेंस जो है उसको डिफ़िकल्ट कर देती है अपनी डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है. बहुत बार ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसी ज़रूरतें आ जाती है कि हमको किसी और के साथ वर्क करना पड़ता है, बट वो हमारे लिए मे बी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम अपनी डिज़ायर्स जो है उसको फुलफ़िल कर पाए, क्योंकि उन लोगों की भी कुछ ना कुछ डिज़ायर्स होती है जो कभी कभी हम लोगों से क्लैश कर जाती है. और यहाँ पे हर एक जना जो एक कॉम्पिटिशन में, जब दो जनों की डिज़ायर्स क्लैश कर जाएगी तो वहाँ पे बेसिकली कॉम्पिटिशन होगा फॉर दी बेस्ट, कि किसका क्या मतलब होता है, ठीक है. ऑब्वियसली वो चाहेगा अपनी डिज़ायर पूरी करना और ये वाला चाहेगा अपनी डिज़ायर फुलफिल करना, ठीक है. तो वैसे ही अब इस तरीके से क्या होता है, दुश्मनी जो है वो इमर्ज होती है. तो ऐसे में क्या होता है, दुश्मनी बढ़ती है, ठीक है. और मैन क्या करता है, खुद की डिज़ायर फुलफिल करने के लिए दूसरों को कुछ भी कर देता है, आउटडू कर देता है, दैट मीन्स उनको कंपटीशन से निकाल देता है. और मे भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपन इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि खुद की डिज़ायर फुलफिल करने के लिए हमको अच्छे बुरे का कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता, हम कुछ भी करने लग जाते हैं, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे हर एक जना जो है कम्पीट कर रहा है किसके लिए, ऑनर के लिए, पैसों के लिए, फेम के लिए, अथॉरिटी के लिए, इन सब के लिए कम्पीट कर रहा है. तो जब ये कंपटीशन चलता है तो कुछ भी अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं नज़र आता है इंसान को. अब यहाँ पे हॉब्स जो है मैन को कंपेयर करते हैं एंट्स और बीस के साथ, क्योंकि हॉब्स बोलते हैं कि मैन जो है वो कॉन्स्टेंटली कॉम्पीट कर रहा है ऑनर और डिग्निटी के लिए. और किससे कॉम्पीट कर रहा है, मैन से ही कॉम्पीट कर रहा है कि ऑनर और डिग्निटी के लिए. जबकि बीज और एंड्स क्या करती है, वो यूनिटी में वर्क करती है और वो सक्सेसफुल है और परसिस्टेंट है. वो जो भी काम करे उसमें वो बहुत सक्सेसफुल होती है और परसिस्टेंट होती है, ठीक है. तो ये जो यूनिटी है बीज में और एंड्स में, ये इनको सक्सेसफुल बनाती है एज अ यूनिट, क्योंकि ये यूनिट में काम कर रहे हैं और एकदम यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है. तो इनको सक्सेसफुल बनाती है एज अ यूनिट, नॉट एज एन इंडिविजुअल. बट मैन क्या कर रहा है, उसको एज एन इंडिविजुअल जो है सक्सेसफुल बनना है, उसको एज अ यूनिट सक्सेसफुल नहीं बनना है, ठीक है. तो इस वजह से ये चीज़ जो है मैन को लर्न करने की बहुत ज़रूरत है, अगर उनको एक ऐसी अच्छी लाइफ जीनी है जहाँ पे उनके पास हैप्पीनेस भी हो एज
वेल एज कंटेंट भी हो, दैट मीन्स सेटिस्फेक्शन भी हो लॉन्ग रन के अंदर, तो उनको इस एंड्स और बीस के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए कि कैसे वो लोग यूनिट में काम करते हैं एंड सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ पे मैन मैन से कम्पीट ना करके एक यूनिट में वर्क करेगा तो लॉन्ग रन में उनको हैप्पीनेस भी मिलेगी एंड सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। अब मैन जो है एक दूसरे से जेलेसी रखते हैं, एक दूसरे से जलते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ही नफरत वाली भावना है, और इससे क्या होते हैं उनके बीच में स्ट्रगल होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, ये सब अराइज होती है, ठीक। क्योंकि अब मैन को पता है कि शांति जो है वो बहुत ही सही है, अगर आप शांति रखोगे झगड़ोगे नहीं तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, झगड़ा या शांति, तो ऑब्वियसली शांति अच्छी है, शांति जो है वो ज़्यादा अच्छी है, पीस ज़्यादा अच्छा है। मैन को पता है कि पीस जो है वो ज़्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, फाइट करने से अच्छा, कॉम्पीट करने से अच्छा पीस बेटर है। उसकी जो बेसिक और फंडामेंटल सेल्फिशनेस है वो उसको क्या करती है, दूसरों से ज़्यादा डिज़ायर करने के लिए करती है बेसिकली, मतलब वो दूसरों से ज़्यादा डिज़ायर चाहता है, मतलब अगर इसके पास ये है तो हमको थोड़ी सी जेलसी होगी और हम चाहेंगे हमारे पास इससे भी बढ़ के हो, तो ऐसे में क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है उन लोगों के बीच में, ठीक है। तो इसलिए हॉब्स कहते हैं कि जो नेचर ऑफ मैन है वो एक कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ वॉर में है, इसलिए हॉब्स कहते हैं कि ये जो नेचर है मैन का वो कॉन्स्टेंटली जो है एक स्टेट ऑफ वॉर में ही रहेगा, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, कि जहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर है, जहाँ पे माइट इज राइट है, ठीक है, जहाँ पे रूल ऑफ जंगल है वहाँ पे मतलब क्या रहेगा, स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट ऑफ वॉर रहेगा, मतलब वहाँ पे लड़ाई झगड़े ही चलते रहेंगे, शांति आएगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो मैन है ये तीन प्रिंसिपल से गाइडेड है, एक तो क्वेरलसम दैट मीन्स झगड़ालू, कॉम्पिटिशन, ठीक है, क्वेरलसम कॉम्पिटिशन दैट मीन्स झगड़े के साथ कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन ना होके क्वेरलसम कॉम्पिटिशन, ठीक है, डिफिडेंस एंड सेल्फ ग्लोरी। तो इन तीन प्रिंसिपल्स की वजह से जो मैन की लाइफ है वो कैसी है, सॉलिटरी है, पुअर है, नास्टी है, ब्रूटिश है, शॉर्ट है, ठीक है, इन तीन प्रिंसिपल्स की वजह से, क्वेरलसम कॉम्पिटिशन, डिफिडेंस एंड सेल्फ ग्लोरी की वजह से मैन की लाइफ जो है वो सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट है। ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं, एक बहुत बार टू मार्कर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए जो हॉब्स थे उन्होंने कौन से मेन कीवर्ड्स का यूज़ करा ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। सो आज इस वीडियो में हम केवल इतना ही कवर करेंगे, केवल आज हमने देखा व्यूज़ क्या थे ह्यूमन नेचर के ऊपर, ठीक। सो अगर आपको किसी भी वीडियो के प्रीवियस पार्ट्स की या आगे वाले पार्ट्स की वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पे लिंक्स मिल जाएगी, एंड नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन गवर्नमेंट की प्लेलिस्ट चेक करते हो तो आपको उस सब्जेक्ट के मिलेंगे, एंड अगर आप यहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको उस सब्जेक्ट के जो है वीडियोज़ मिल जाएंगे, ओके। सो या तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, उस लाइक में एकदम फ्री का लाइक है, कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं लगेंगे, ना कुछ स्टोरेज भरने वाला है, सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हमको सेल्फिश नहीं होना है, सबको साथ में लेके चलना है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन, ओके। सो या बाय, टेक केयर।